राधे राधे। तो इस समय दोस्तों हम आ चुके हैं श्री जुगल किशोर मंदिर, जो एक संरक्षित इमारत है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, पीछे बोर्ड भी यहाँ पर लगा हुआ है और आपने इसके आगे जो है ये वृक्ष खड़ा है। ये जो मंदिर है काफ़ी दूर से दिखाई देता है। वैसे अभी यहाँ जो हम उधर से आते हैं तो यमुना के पहाड़ से बहुत दूर से ये मंदिर जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता। और ये यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं सामने, एक तरह से ये बंद है अभी इस समय। यहाँ पे जो ये संरक्षित इमारत का यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, इस पे जो लिखा हुआ है कुछ प्राचीन यह स्मारक प्राचीन संस्मारक तथा प्रातत्विक जो भी होता है उसके तहत सुरक्षित है। और यहाँ पे कुछ क्षति पहुँचाने पर जो है पेनल्टी वगैरह पड़ सकती है, पढ़ सकते हैं आप, पढ़ लेंगे इसमें। और ये बहुत बड़ा मंदिर है, इसका ऊपर का हिस्सा जो है, जो शायद औरंगजेब के टाइम में, औरंगजेब ही तो थे, उसने जो गिरा दिया था। तो ये ऊपर जो यहाँ पर इसके मुख्य जो द्वार है, इसके ऊपर जो कन्हैया है वो जो अपना गोवर्धन पर्वत उठाए हुए हैं वहाँ पर दिखा दिया है, वो सामने उंगली पर उठाए हुए हैं। और दरवाज़ा इसका बंद है क्योंकि यहाँ जो विग्रह है, यहाँ की जो मेन मूर्ति थी तो ये जो हम मुख्य द्वार है, और सामने जो है आप देख रहे हैं ये लाल पत्थर का बना हुआ कितना भव्य मंदिर है। इसका जो गेट बंद ही रहता भैया, ये बंद ही रहता हर समय, तो खुलता नहीं है, मतलब ये बंद ही रहता मंदिर। तो इसकी बताते हैं आगे, थोड़ा पीछे परिक्रमा टाइप कर लेते हैं पीछे। अच्छा, मतलब साफ सफाई होती है और फिर ताला लग जाता है, इस तरह से पूजा पाठ वगैरह यहाँ पर नहीं होता। हम थोड़ा सा पीछे तक चले जाते हैं, देखते हैं साइड से, आ जाओ। तो यहाँ पर कुछ पुताई वगैरह का काम चल रहा है। भैया एक सेकंड रुक जाइए, जरा छींटा आएंगे हम, निकल जाएंगे। तो बनावट कितनी भव्य है यहाँ से, जो देखा जा सकता है आराम से। कैमरा भी कवर नहीं कर पा रहा साइडों में, वैसे तो काफ़ी दूर से जो पूरा लेंस जो आगे से जो कवर करेगा। जो है पीछे का हिस्से में हम आ चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ की जो मूर्ति जो थी, मतलब तो ये मंदिर जो है यमुना के पहाड़ से भी काफ़ी दूर से दिखाई देता है। और यहाँ की जो मूर्ति थी, जो विग्रह था, वो यहाँ से शायद मध्य प्रदेश का जो पन्ना है वहाँ पे स्थापित कर दी गई है। और यहाँ पे इसकी डेली साफ सफाई होती है और उसके बाद जो मंदिर का ताला बंद हो जाता है और बंद ही रहता। ये जो लाल पत्थर का मंदिर है अपने आप में अनूठा है। थोड़ा अब बिल्कुल बराबर में यमुना जी बह रही है, मुश्किल से 50 मीटर पे इधर को आप देख रहे होंगे सामने, ये गेट नुमा यहाँ से दिखाई भी दे रही है। तो केसी घाट के जस्ट बराबर में 20-25 मीटर की जो दूरी होगी। और इसकी बनावट कितनी शानदार, कहीं कहीं अब जो थोड़ा थोड़ा ये क्षतिग्रस्त होने लगा है, क्षतिग्रस्त क्या देखभाल नहीं है, जब इसमें जो वैसे संरक्षित तो है लेकिन देख रहे हैं आप क्या कंडीशन इसकी बनी पड़ी है। बहुत ही शानदार नज़ारा है अपने आप में। और बराबर में जो इतना रास्ता जगह भी नहीं है यहाँ पे कि कोई निकल जाए, बहुत कम जगह है बनावट के हिसाब से। इसमें कुछ पत्थर वगैरह खिसकने लगे हैं तो उसके लिए जो इसमें कुछ को लगाया गया। और सेम है इस तरह के तीन मंदिर है, एक तो ये वाला है और एक जो है एक मंदिर ये है इस लाल पत्थर का, एक वो था कौन सा था, गोविंद देव जी का जो मंदिर है वो भी लाल पत्थर का ही है, और एक शायद गोपीनाथ मंदिर है। तो हम जो परिक्रमा करके यहाँ पर आ चुके हैं, कुछ यहाँ पर लिखा भी हुआ है, बस क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। तो काफ़ी बड़ा गेट है और इसी के साथ जो है हम आगे चलेंगे। तो वीडियो को लाइक करें और अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ। राधे राधे।